हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्विन फ्लेम डिवाइन जर्नी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि चक्रास जब बैलेंस होने लगते हैं, हील होने लगते हैं, तो आप कैसे महसूस करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग ए वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। सो गाइस, सपोज आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी, सपोज़ आपको अवेकन कर दिया गया है थ्रो एनीवन, सपोज़ आपको आपके लाइफ में आप किसी को खो चुके हो, उसके कारण भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आ जाते हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का टीचर, किसी का गुरु के साथ आने से उसके साथ उसके बाद भी अवेकन जर्नी स्टार्ट हो जाता है, और किसी के ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तब अवेकन जर्नी स्टार्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज आपको आने लगते हैं, आप स्पिरिचुअल नॉलेज आपको यूनिवर्स देने लगते हैं, तब धीरे धीरे आप एंजल्स नंबर के बारे में जानने लगते हो, धीरे धीरे आपके पर्पस क्या है वो जानने लगते हो, आप हो क्या, आपके मन में ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आई हूँ, एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड पर आने लगते हैं। देन धीरे धीरे यू कम टू नो अबाउट चक्रास, चक्रास कैसे होते हैं, हम लोगों के एनर्जी पॉइंट कहाँ कहाँ रहते हैं, एवरी नॉलेज आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप लेने लगते हो। सो अब जब आपके चक्रास के बारे में धीरे धीरे जानने लगते हो, तो आपके लाइफ थोड़ा सा धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, बिकॉज ये सेवन चक्रा जो सेवन एनर्जी पॉइंट है, रूट टू क्राउन चक्रा, ये चक्रास मेनली आपके लाइफ चेंज कर देते हैं, आपको एक दूसरे डायमेंशन पे ले जाते हैं। आप जितना भी चक्रास नीचे से ऊपर आप हील करते जाओगे, आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन आप एक्सपीरियंस करने लगते हो। आपके जितना भी लाइक आपके चक्रास अगर आप एक्टिव है, देन हील करने लगते हो, बैलेंस करने लगते हो, देन फर्स्ट इन इनिशियल स्टेज यू विल फील लाइक आपके जितना भी ट्रॉमास है, आपके जितना भी इश्यूज़ है, वो पहले सरफेस पे आने लगते हैं। सरफेस पे आने के बाद आप जितना भी सरफेस पे आएगा, जितना भी आपके चक्रास के ऊपर काम करोगे, वो धीरे धीरे हील होने लगते हैं। आपके डे टू डे लाइफ में वो सब जितना भी इश्यूज़ आप फेस करते हो, डिप्रेशन फील करते हो, जो एंजाइटी फील करते हो, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब जितना भी नीचे से ऊपर के काम करोगे, सपोज़ मस्कुलाइन एनर्जी का वो बॉटम थ्री चक्रास लाइक रूट, सेक्रेट एंड सोलर प्लेक्सस सेक्रेट, जिस थ्री चक्रास ऑलरेडी मतलब एक्टिवेट होते हैं और बैलेंस में भी रहते हैं। एंड नाउ कम टू फेमिनाइन, फेमिनाइन एनर्जी का क्या होता है, वो ऊपर के जो तीन चक्रास है, क्राउन, थर्ड आई और थ्रोट चक्रा, इन चक्रास को इन चक्रास के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। हर चक्र दोनों फेमिनाइन एंड मास्कुलाइन का ओपन रहता ही है, ओपन मीन्स एक्टिवेट रहता ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इश्यूज होने के कारण उसको हील करना पड़ता है, लेकिन हर चक्र हील मतलब हर चक्र एक्टिवेट होता ही रहता है। इसलिए हम लोग फेमिनाइन हो या मास्कुलाइन हो, हार्ट से बहुत कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग जब भी फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन 3D वर्ल्ड में कनेक्शन पे आते हैं, वो इंटेंस फीलिंग्स, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो इंटेंस फीलिंग्स हम लोग महसूस करते हैं। देन जब आपके वो सेवन चक्रास धीरे धीरे जब हील होने लगेगा, जितना भी इश्यूज हील होने लगेगा, धीरे धीरे आपका आपको ये सारे बेनिफिट्स ज़रूर होगा। फर्स्ट, आप फियरलेस होने लगोगे। सेकेंड, आप कॉन्फिडेंट होने लगोगे। थर्ड, आप बहुत ही ज़्यादा जो जेलेसी एंगर ये सब होते हैं ना, वो जेलेसी एंगर वो सब बैलेंस पे आने लगते हैं। वो जेलेसी एंगर लाइक आपका अंडर है भी, उसको आप पॉजिटिव वे में लेने लगते हो। आपकी क्रिएटिविटी आते हैं, आप ज़्यादा जो पहले हार्ट से सोचते थे, आप थोड़ा सा लॉजिकल होने लगते हो। आप फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों को बैलेंस करने लगते हो। आप जितना फेमिनाइन एनर्जी जितना भी ओवर थिंकिंग करते थे, उसके ऑपोजिट अभी जब चक्रास बैलेंस होने लगते हैं, तो वो क्रिएटिविटी में जाने लगती है, इंट्यूशन पावर और ज़्यादा हाई हो जाते, हीलिंग करने लगते हैं खुद के भी, लोगों को भी, और मस्कुलाइन जितना भी बैलेंस होने लगते हैं, तो उतना ही मतलब एक्शन लेने लगती है, उतना ही जितना भी पॉजिटिव एग्रेशन जो होते हैं, वो मतलब लोगों को जो बोलना नहीं आता था वो बोल देते हैं,
और जो सही है, ऐसे ही नहीं जो है कुछ भी बोल दिया ऐसा नहीं हमने, जो सही है वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड वो आने लगते हैं। एंड आप ज़्यादा आपके जो स्पिरिचुअल एंड मेटेरियलिस्टिक जो थिंग्स है दोनों को हाईली मतलब बैलेंस करने लगते हो, जब आपके चक्रास इश्यूज जितना भी है वो बैलेंस होके आपके धीरे अच्छे से बैलेंस से काम करने लगते हैं। उसके बाद आपके थर्ड आई में जितना भी मतलब आपके इश्यूज हील जब जितना भी हो गए उतना ही आपके थर्ड आई भी उतना ही ज़्यादा एक्टिवेट होने लगते हैं। आपके ड्रीम के थ्रू हो या आपके कुछ भी कहीं से भी आपको मतलब इंट्यूशन इतना हाई हो जाता है, आपको यूनिवर्स से मैसेज मिल जाता है, आप कम्युनिकेशन अच्छा करने लगते हो, आपके जितना भी सपोज डिप्रेशन एंजाइटी वो कम होने लगते हैं, आपको आ जाता है वो बैलेंस आ जाता है जब आपके आप अपने चक्रास के ऊपर काम करने लगते हो, आपके अबंडेंस मिलने लगते हैं, आप मनी अट्रैक्ट करने लगते हो, आप स्पिरिचुअल नॉलेज अट्रैक्ट करने लगते हो, आपके गोल्स अचीव करने लगते हो धीरे धीरे। ये सब जब चक्रास आप जितना भी हील हो जाओगे इतना ही आपका हाई वाइब्रेशन फील होने लगेगा। आपके सपोज रुद्र चक्र इम्बैलेंस है, सेकंड चक्र इम्बैलेंस है, वहाँ पे जितना भी फियर है, जितना भी इनसिक्योरिटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जितना भी गिल्टी है, शेम है, वो सभी चीज़ हील होने लगते हैं। तो वो सभी चीज़ हील होने के बाद आप महसूस करते हो आपके लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज होने लगते हैं, और आपका जितना भी बीमारी है वो सब के बारे में आपको पता चल भी जाता है, और आप वो सब भी हील करने लगते हो, आपके बॉडी के ऊपर काम करने लगते हो, आपका मतलब लाइफ भी चेंज हो जाता है। आप खुद इतना बिजी हो जाओगे आपके लाइफ में, आपके सक्रास इतना मतलब आपको करवाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको करवाएगा, आप मतलब ऐसा फील करोगे कहीं पे भी ऐसे ही नहीं बैठोगे, आप नॉलेज आर्ट करने लगोगे, कहीं पे भी आप बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये टाइम अगर मैं वेस्ट करूँगी तो मेरा नुकसान होगा, तो मैं थोड़ा सा नॉलेज ही कहीं से भी आप नॉलेज आर्ट करने लगोगे, आपको अच्छा गुरु मिलने लगेगा, आपके चक्रास अगर अच्छे से ठीक से बैलेंस होने लगे, नहीं तो आपका लाइफ में आप अगर कुछ अच्छा कर चुके हैं तो आपको वो चक्रास हील करने के लिए भी एक गुरु आपको ज़रूर भेजा जाएगा, आपके लाइफ में एक गुरु आपने कुछ ना कुछ अगर कहीं से भी किसी को हेल्प किया हो या कहीं से भी आप मतलब डे टू डे लाइफ में कहीं से भी किसी को ज्ञान मतलब सर कभी भी किया हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको गुरु ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जितना आप लोगों को हेल्प करोगे, जितना आप ज्ञान दोगे, उतना ही आपके लाइफ में उससे भी ज़्यादा बड़ा सीज यूनिवर्स आपको देगा। जितना आप लव सर्व करोगे और चक्रास बैलेंस होने के बाद आपके हार्ट चक्रा भी हील जब होते हैं, हार्ट चक्रा तो एक्टिवेट होते ही है, लेकिन जितना भी ट्विन फ्लेम ट्विन जब मिलते हैं वो इश्यूज आने लगते हैं, वो हार्ट वो वोन्स वो सभी दुख जब आप हील करने लगोगे उसके बाद आपके हार्ट में ऐसा लव फील करोगे, मतलब कहीं से भी देख लिया कोई भी चीटी देख लिया कोई भी इंसान हो, बच्चे से बहुत अटैच हो जाओगे, छोटे बच्चों से बहुत अटैच हो जाओगे, बहुत मतलब आप मतलब बच्चे देख के ही आप हील फील करोगे, ऐसा आप हो जाओगे। कहीं से भी कोई भी एनिमल्स हो या कोई भी चीटीज हो उसको मतलब कहीं भी मतलब देखना कि फंस गया है उसको बचाने के लिए आप दौड़ोगे, ऐसा हो जाता है जब आपके हाथ चक्र ओपन होने लगते हैं। थ्रोट चक्र जब आपका ओपन होने लगते हैं तो आप एक्सप्रेस करने लगोगे, आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, आप सही सच बोलने लगोगे, चाहे वो जितना भी हो आप सच बोलोगे, मतलब ऐसा हो जाता है फेमिनिन मस्कुलिन भी बैलेंस होने लगते हैं, आपके चक्रास भी हील होने लगते हैं जब आप चक्रास हील करने लगोगे। और आप देखना आप कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है तो आप उस पर स्टैंड लेने लगोगे, उस पर अगर स्टैंड लेके आप गिल्टी फील कर रहे हो तो आपका रुद्र चक्र इम्बैलेंस है, तो रुद्र चक्र अगर बैलेंस है तो आप बोलोगे तो कॉन्फिडेंटली बोलोगे और उसके बाद कोई भी आपको सेम फील नहीं होगा, क्योंकि आप जान जाओगे कि आप सही हो। तो ये सब आप जब आपके चक्रास बैलेंस और हील करने लगोगे तो ये सब आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं आप लोगों को ज़रूर एक वीडियो सर्व करूँगी जिसमें हर एक सेवन चक्रास कैसे हील करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये एक पूरा पैकेज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। सो बिफोर डेथ आप लोग आपके चक्रास पे जितना भी हो, आप योगा करके बैलेंस करना हो, आप मेडिटेशन करके बैलेंस करना हो, आप किसी भी मतलब किसी भी प्रकार के आप वो सब करिए। तो आप अगर मेडिटेशन करके आपका चक्रास बैलेंस करना जाओगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप अगर जिम करोगे एक्सरसाइज करोगे उसके साथ भी आपका चक्रास बैलेंस रहेगा, आप
खान पीन अगर जितना भी चक्रास के ऊपर आप खाओ, जैसा जैसा कलर के जिससे जैसे फूड है वो खाओगे तब भी आपका बैलेंस होगा, हील होगा। आप अगर उस चक्रास के एफर्मेशन डालने लगोगे तब भी आपका चक्रास बैलेंस होगा, हील होगा। तो आपके चक्रास के ऊपर आप जब भी काम करने जाओगे तो मेक श्योर करना कि आपकी इश्यूज जरूर सरफेस पे आएगा, और सरफेस पे आने के बाद जो ब्लिस फील होगा, जो आपको आइडियाज़ आएगा, जो डाउनलेस आएगा, वो भी आप महसूस करने लगोगे कि यस, इन इनिशियल स्टेज सब चीज़ हार्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे आप जब उसको कंटिन्यू करोगे, अच्छे से काम करोगे, तो आपको ज़रूर उसका लाभ होगा। और चक्रास के ऊपर अगर काम करोगे तो आप डे टू डे लाइफ में, सपोज़ आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर चुके हो, किसी से दुख मिला हो, कुछ भी हो, वो चक्रास अगर 7 चक्रास डेली आप हील करोगे तो वो सब भी गायब ठीक हो जाएगा। और जितना भी आप हील करते जाओगे, जितना भी आप बैलेंस करते जाओगे, उसके साथ साथ अगर आप पॉजिटिविटी आपके अंडर, मतलब ऐसा हो जाता है सभी से टॉक्सिसिटी निकल जाने के बाद आपके जो है इसमें वो खाली हो जाते हैं, तो उस पर आप काम करो, उस पर आप अच्छा सीज डालो, अच्छा सीज डालो और इन्फॉर्मेशन डालो आपके गोल्स के ऊपर, वो सब काम करो। लाइक मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ, मैं जितना भी इश्यूज मेरा हील करती गई तो एक समय आ गया था मुझे खाली फील हो रहा था, मतलब इश्यूज हील हो गया, वो सब मैंने कुछ सब कर रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मतलब डेली मैं करती ही हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में मैंने वो मतलब खुद को जो सेल्फ लव की एफर्मेशन है वो डालना मैं भूल गया था। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा सा अंदर से ही थोड़ा सा जो इश्यूज हील होने के बाद थोड़ा सा खाली हो जाता है ना, वो फील करने लगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, खुद को जो लव वाला जितना भी एफर्मेशन है, जितना भी खुद को प्यार, मतलब जो दुनिया में जो हो जाए जो कर ले, लेकिन मैं खुद के लिए ऐसा एफर्मेशन डालने लगी कि कोई भी कुछ भी सोच ले, मैं खुद को प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और उसके साथ साथ सभी लोगों को, एनिमल्स हो या बच्चों को हो या लोगों को, प्यार करने लगती हूँ। मतलब जितना भी इशूज झगड़ा कुछ, कभी कभी तो ऐसा भी, ऐसा नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम लोगों का कोई भी झगड़ा नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, होगा, लेकिन वो होने के बाद हम लोग भूल जाते हैं इजीली। हम लोग जब राइट स्टैंड लेते हैं, हम लोग बोलते हैं, तब कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट तो होगा ही, वो नॉर्मल है, वो के वो मतलब आप गिल्टी फील मत कीजिए उसके, आपके स्टैंड जब लोगे उस गिल्टी फील मत कीजिए। उसके बाद क्या होता है, जब ये सब करने लगोगे आपके, मतलब जो गिल्टी फील भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो आपके ब्रेन को आप मतलब पावर ही नहीं दोगे कुछ भी, मतलब ब्रेन अगर कुछ बुरा ख्याल भी आए उसको मतलब भाव भी नहीं दोगे, तब क्या होता है, ब्रेन भी मतलब ठंडा हो जाता है, जीवन चक्रास के जितना भी जैसे है वो भी खाली होते, आपको थोड़ा सा खालीपन आने लगते हैं। तो उस समय जब आप अंडर आपको जितना भी आपके गोल्स है, जितना भी इश्यूज है वो डालने लगोगे, इतना आप एक खुद ब खुद आप मतलब आपके लाइफ में जितना मनी ब्लॉकेजेस है वो सब अट्रैक्ट करने लगोगे, मनी अट्रैक्ट करने लगोगे, तब मतलब क्या हो जाता है, आपके इश्यूज सब हील हो जाते हैं ना। तो आपको ये हाई टाइम होता है कि आपके अंडर अच्छे से डालने का। तो जब ऐसा आप फील करने लगोगे कि सब हील हो जाए, खाली हो चुका है, अभी मैं क्या करूँ, तो आपके लिए वो टाइम सबसे बेस्ट है, तब आप लव की एफर्मेशन डालिए, सेल्फ लव की एफर्मेशन डालिए, आपके गोल्स के एफर्मेशन डालिए, आपके हेल्थ के एफर्मेशन डालिए, आप अंदर से जितना भी खाली होगे उतना ही वो आप लोग जितना भी मन का जितना भी आपका ड्रीम्स है वो सब आप डालते जाइए, तो आपको जरूर 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 उसका गुड रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, तो यही था मेरा आज का वीडियो कि आप चक्रा सील करने के बाद आप कैसा फील करते हो, आपकी लाइफ कैसे चेंज होता है, आप कितना चेंजेस फील करते हो, वो सभी चीज़ आप चक्रा सील करने के बाद आपको पता चलेगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आप लोग अगर इस चक्रास के ऊपर काम कर रहे हो तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिए, आप कैसा फील कर रहे हो, अभी कैसा आपके लाइफ चल रहा है, आप कैसे फील कर रहे हो, आप अभी भी वो टॉक्सिक एनर्जी में हो, या आपको कैसा कुछ आइडियाज चाहिए, कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम चल रहा है, तो हाँ मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी, आप लोगों को ज़रूर उसका कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर दूँगी। तो यही था मेरा आज का वीडियो, होप आप लोगों को ये वीडियो
अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।